ये कौन सी बीमारी है मैम? इसको बोलते हैं जियोग्राफिक टंग। मोस्ट वेलकम है आपका, इधर ही बर्थडे मनाओ अंकिता जी का। आप बहुत क्यूट हो एक्चुअली, आप सच में बहुत क्यूट हो। आप कोई कम बातें करते हो, आपका आउटफिट भी बहुत मस्त लग रहा है। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइज हम भी ठीक है। सुबह के बज चुके हैं 10:30 और हम अभी जा रहे हैं हॉस्पिटल लोनावला डॉक्टर को दिखाने। गाइज हम भीम को वहाँ पे नहीं लेके जा सकते क्योंकि हॉस्पिटल में अलाउ नहीं होता है ऐसे डॉग्स वगैरह को ले जाना। इधर खड़े है मेरे पति देव जी, बहुत मस्त लग रहे है चश्मा वगैरह लगा के। 16 तारीख है तो हॉस्पिटल भी दिखा के आएंगे और अंकिता का बर्थडे का क्या प्रोग्राम रखते है वो नीचे जाके पता करते है। कुछ दोस्त वोस्त मिलते हैं कि भाई कैसे क्या सेलिब्रेट करने का सोचते है। पूरा खाना ऐसे ऐसे पड़ा है, खा ले यार भीम, खाओ खाओ खाओ। देखो दोस्तों नहीं खा रहा। तो दोस्तों हेलमेट वगैरह लगा लिए, अब निकलते हैं भाई लोनावाला के लिए। दोस्तों हम आ चुके हैं रोहित के घर पे। चल भीम का ध्यान रखना, तो चलते बाय बाय, तेरी फैमिली को राम राम बोलना। तो दोस्तों निकलते हैं हम लोग, इसकी फैमिली नहीं है कोई भी, तो भाई लोगों निकलते हैं, लेट हो जाएंगे, डॉक्टर भी 12-1 बजे तक ही बैठते हैं। रास्ते में रुके, मस्त राम जी को बहुत जोर से प्यास लग रही थी तो पानी की बोतल लिए। ठंडा बहुत है, आराम से पीना थोड़ा थोड़ा ना। दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल, तो डॉक्टर को दिखा लेते हैं अंकिता को। पहले तो सोनोग्राफी और बच्चा कैसा क्या है तो वो चेक करवा लेते हैं, उसके बाद में इसकी जीप को दिखाएंगे। अगर ये डॉक्टर देखती है तो ठीक है, नहीं तो और दूसरे हॉस्पिटल में दिखाएंगे। गाइस भाई डर लग रहा है जीप के मामले में, तो देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों अंकिता बैठी है हॉस्पिटल के अंदर, अभी तक हमारा नंबर नहीं आया, जैसे नंबर आते हैं फिर जाएंगे अंदर। हमारे राजस्थान में ऐसा पहनते हैं, राजस्थान ऐसे पहनते हैं राजस्थान। ये बड़ा है, ये तो छोटा है, ये बहुत 8 मीटर का है, बहुत मतलब बहुत बड़ा होता है, घेर वाला होता है। हमारी तरफ की सबसे महंगी ड्रेस है ये, इतना लंबा रहता है वो नहीं लाया। नहीं वो नहीं पहनते हम लोग, मारवाड़ी पहनते हैं वो। राजपूत गुज्जर, नारियल पानी, नींबू शरबत, लस्सी, जूस, ऐसी चीज ज्यादा। ये कौन सी बीमारी है मैम? इसको बोलते हैं जियोग्राफिक टंग। तो गाइस ये भैया आए रेलवे में नौकरी करते हैं, हम लोगों से मिलने। राम राम भैया, मैं इधर लोको पायलट हूँ लोनावाला में, करौली से हूँ, हल्क्या मीना नाम है मेरा। और गाइस हमने लोनावाला में हॉस्पिटल में दिखा भी लिया, अंकिता को इंजेक्शन लगवाना बाकी है, भैया की क्वार्टर पे जाएंगे और वहाँ बैठ के सोचेंगे की क्या प्लान करना है बर्थडे का। मोस्ट वेलकम है आपका, इधर ही बर्थडे मनाओ अंकिता जी का। थैंक यू भैया, धन्यवाद आपका। तो गाइस अंकिता को दिखा लिया और अब इसकी जीप में क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या डॉक्टर ने बताया वो इनके क्वार्टर पे जाके बताते हैं। तो भैया चला रहे बाइक तो निकलते हैं। तो गाइस हम आ गए जूस वाले भैया के ठेला पे, यहाँ पे जूस पी लेते हैं, चलो बैठ जाओ वहाँ पे छह में। तो दोस्तों जूस आ चुका है तो जूस पी लेते भैया। चलो गाइस हम आ चुके हैं भैया की क्वार्टर पे, ये भैया की क्वार्टर है। तो गाइस अंकिता बना रही है खाना, वो भैया तो गए ड्यूटी पे, तो भैया के रसोई में खाना बना रहे हैं आज। उनकी फैमिली तो यहाँ पे रहती नहीं है और वो सुबह आएंगे, तो भैया दही रख के गए थे, थोड़ा सा थोड़ी सी फ्राई थी, इसी के साथ में खा लेंगे भाई हम तो खाना। चल बना के लेके आजा, साथ में खाते हैं दोनों। राम राम दोस्तों, शाम के बज चुके 4 और उस भैया के रूम पे थे हम लोग, तो भैया तो ड्यूटी गए, सुबह आएंगे ठीक है। और अभी हम लोग जा रहे हैं खंडाला, लोनावाला आए थे तो मैं सोच रहा था कि खंडाला बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध जगह है, तो आप सब भाइयों को एक बार दिखा देता हूं, हम लोग भी देख लेते। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज शेयर करना चाहता हूं कि जिस भैया के रूम पे हम रह रहे थे वो यहां पे लोको पायलट है ठीक है, रेलवे में। इतना विश्वास किया मतलब पहली बार में और इतना प्यार दिया, उनका रूम हमारे भरोसे छोड़ के चले गए। हर इंसान में एक इंसानियत होना चाहिए, एक भरोसा होना चाहिए, इन लोगों की वजह से जिंदा है, इन लोगों की वजह से हम वीडियो बनाते हैं। बहुत सुकून मिला हम लोगों को कि ऐसे भैया सबको मिले, ऐसे इंसान सबको मिले, हम जहां जाते हैं हमको कहीं ना कहीं अच्छे इंसान भी मिलते हैं, तो थैंक यू सो मच भैया आपका। और दोस्तों हॉस्पिटल की बात बता देता हूं आपको, कि अंकिता को दिखाया था, हमारा बेबी तो बिल्कुल मस्त है और बढ़िया स्वस्थ है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। और जो इसके जीभ में जो बीमारी थी वो कैंसर नहीं है दोस्तों, वो कोई और दूसरी बीमारी बताई, उसका नाम है जियोग्राफिक टंग, मतलब ये पता नहीं कौन सी बीमारी है जिसमें ऐसा कट जाती है जीभ, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रही थी। बस सुकून मिला हम लोगों की चलो कोई बीमारी तो नहीं है। चलती है क्या अतिका खंडाला? बिल्कुल चलेंगे। और एक शॉर्टकट में जल्दी से ये चीज बताता हूँ कि कुछ लोग बोलते ना हमारे लिए कि तुम संस्कृति को बिगाड़े, संस्कृति बिगाड़े। आजकल मैं गाने सुन रहा हूँ संस्कृति के, ऐसे गाने कि दिल रोता है साला। पूरी दुनिया रील्स बना रही है, पूरी दुनिया की लड़कियां रील्स बना रही है, बस यही है संस्कृति, करते रहो फॉलो भाई। तो भाई ये खंडाला दिखाते हैं हम आपको, बहुत ही बढ़िया जगह है, हम आगे भी जाएंगे लेकिन हमको पता नहीं हम जहाँ कहाँ रहे हैं, हम तो लोकेशन के हिसाब से चलते जा रहे हैं, जहाँ अच्छा सीन आ रहे हैं वहाँ रुक रहे हैं। तो इधर का सीन दिखाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है आई लव यू खंडाला। नहीं जब ये कूपन अभी हम खोल देंगे जो हमको गिफ्ट मिलेंगे ये तो फ्री ऑफ कोर्स है, लेकिन जब भी हम आपके होटल में आएंगे स्टे करने तब भी घूमेंगे तब पैसे लगेंगे। तब पैसे लगेंगे। ओके ओके, क्या है इसमें? वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन, यू आर द विनर। ए अगर आता तो सैमसंग का गैलेक्सी फोल्ड मोबाइल मिलेगा, बी अगर आता है तो 3 नाइट 4 डेज का अकोमोडेशन मिलेगा हमारे कोई भी एक रिसॉर्ट पे,
सी आएगा तो एंड्रॉइड वॉच मिलेगा, दो वॉच। डी अगर आएगा तो कैश मिलता है सर, 15,000 रुपीज। तो ये कहाँ पे आएगा, इसमें आएगा क्या? हाँ, इसमें स्क्रैच करेंगे ना तो ए बी सी डी आएगा, लेकिन ये स्क्रैच यहाँ नहीं करना है। हाँ। स्क्रैच आपको होटल पे जाके करना है, रिसोर्ट पे। वैलिड। तो गाइस अब मस्तराम जी की बारी, देखते हैं इनके क्या निकलता है। मैं तो वैसे भी साला नसीब वाला नहीं हूँ, क्या आपका मस्तराम? मस्तराम तो गाइज हम लोग आ चुके हैं रॉयल पार्क होटल में, अब देखते हैं भाई क्या गिफ्ट मिलता है। तो भाई हम तो खंडाला देखने आए थे, एक घंटा यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। हम तो सोच रहे थे आपको बहुत अच्छी अच्छी जगह दिखाएंगे, लेकिन लालच के चक्कर में आ गए यार हम लोग। आप कहाँ से हो? हम दोनों आपको अच्छे लगे? यस, आप बहुत क्यूट हो एक्चुअली, आप सच में बहुत क्यूट हो। आप कोई कम बातें करते हो, आपका आउटफिट भी बहुत मस्त लग रहा है। थैंक यू। ये ड्रेस कैसी लगी आपको? बहुत मस्त, मैं कोई गिफ्ट करके जाऊं। आप भी बहुत अच्छे हो। इसका बर्थडे है कल? हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। थैंक यू। अच्छा, आप कुछ पसंद आया आपको? लोनावाला जाके फिर इधर खंडाला आए हम लोग, फर्स्ट बार आए खंडाला। अच्छा लगा, इधर का व्यू बहुत अच्छा है। तो भाई फाइनली ये कार्ड निकला है, इसमें यह है कि 4 डे और 3 नाइट है ना, हम कोई भी बड़ी से बड़ी होटल में रुक सकते हैं, उसका कार्ड है, कहीं भी ऑल इंडिया में। चलो भाई लोगो, फाइनली हम वापस उसी जगह पे आ चुके हैं। भाई ये है दोस्तों खंडाला तालाब, खंडाला लेक बोलते हैं इसको। तो भाई यहाँ का वीडियो बनाते हैं, ऊंट भी घूम रहे हैं इधर, तो पता नहीं पानी कहाँ से आ रहा है इसके अंदर, ऊपर से आ रहा है शायद ना। तो भाई यहाँ पे सब लोग घूम रहे हैं गाइस, और आप देख सकते हो पहाड़ है ऊपर, पहाड़ के जस्ट नीचे पानी का लेक है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब यहाँ पे व्यू तो बहुत प्यारा है दोस्तों यहाँ का। तो चलो भाई यहाँ का व्यू तो कुछ इस प्रकार का, ये खंडाला और मुंबई रोड है गाइस ये। तो चलो रील्स बना लेते हैं गाइस। तो भाई इधर रील्स बना ली हम लोगों ने, तो अब हम लोग जा रहे हैं, और सब लोग हमारी तरफ देख रहे थे कि भाई ना क्या ड्रेस पहन रखी है, मतलब इधर मराठी लोग अलग पहनते हैं ना। तो इधर का व्यू कुछ इस प्रकार का है। भाई ड्रेस के बारे में कुछ बोलना चाहती? बोलना ही चाहूंगी ना भाई, इस ड्रेस की वजह से तो मुझे पूरी पब्लिक देखती है, सब लोग देखते हैं, अलग ही नजरिए से देखते हैं। कुछ लोगों की नजर होती है कव्वे जैसी, पसंद तो उनको भी है, लेकिन उनकी क्या है बोली भाषा है ना, वो काऊ काऊ है, मतलब वो गंदा ही बोलेंगे, मतलब उनकी जबान ही गंदी होती है। तो देखो भाई यहाँ का बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है, ऐसा कुछ अलग नहीं है कि भाई हमारे एमबीएल में नहीं है, लेकिन यार अगर अपन 1 किलोमीटर भी दूर जाते हैं ना तो अलग वाइब मिलती है, अलग लोग मिलते हैं, अलग चीजें मिलती है, खाने पीने की घूमने फिरने का सब कुछ अलग मिलता है, तो अच्छा लग रहा है इधर। कल अंकिता का बर्थडे है ना, तो अंकिता का बर्थडे में हम लोग ऐसी जगह पे जाएंगे कि आप देख के चौंक जाओगे, और ऐसे मंदिर में जाएंगे कि मतलब बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर। तो कल का व्लॉग तो देखना ही देखना है। तो अब हम लोग चलते हैं, अंकिता को पानी पूरी खाना है, और उस भैया की क्वार्टर पे जाएंगे, आज यहीं स्टे करने वाले हम लोग। तो भाई यहाँ पे पानी पूरी, तो पानी पूरी खा लेते हैं। चलो भाई अंकिता की पानी पूरी आ चुकी है, 30 रुपए की एक प्लेट, जिसमें सिर्फ 6 पानी पूरी है, मतलब एक पानी पूरी 5 रुपए की पड़ रही है। अपने सर टोंक में स्वयं माधुपुर में कोई इतनी महंगी खिला दी तो लड़ाई कर ले उसे बेचारे से। चलो भाई हम लोग आ चुके हैं लोनावाला में खंडाला से, और इधर है होटले होटले, लेकिन सब नॉन वेज होटल है दोस्तों। तो हम जाके ट्राई करते हैं कैसा कैसी है उधर, बालाजी के नाम से इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि सहकारी खा सकती है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं वापस हमारी बीएमडब्ल्यू पे, और इसका कारण ये है कि यार उस पे मांसाहारी भी चीजें मिल रही थी, मतलब अंडे मीट मसाला जो भी थे। तो हम लोग वापस आ गए कि भाई घर पे बना लेंगे, मिर्ची टमाटर पड़े, भैया से बात कर ली हमने। तो गाइस अंकिता ने प्याज मिर्ची ये काट दिया है, तो मेरे सभी भाइयों को मैं बोल देता हूँ वीडियो के लास्ट में, आज ही हमारा बर्थडे मतलब 17 तारीख आज है ना, तो जो भी भाई लोनावाला पुणे तलेगांव महाराष्ट्र मुंबई कहीं भी रहता है ना महाराष्ट्र के अंदर, तो हमारे बर्थडे में आ जाना, हम लोनावाला ही है। और हमारे को मैसेज करना या कमेंट में नंबर भेज देना, हम आपको ऑन द स्पॉट कॉल करेंगे और आपको एड्रेस देंगे, तो आप आ जाना, आपका मोस्ट वेलकम है। दिन का ही प्रोग्राम रहेगा, नाइट का कोई प्रोग्राम नहीं रहेगा भाइयों। तो आज का ब्लॉग को ये एंड करते हैं, आई होप आपको पसंद आया होगा, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में हैप्पी बर्थडे बोलना। तो ठीक है फ्रेंड्स, बाय, गुड नाइट। दोस्तों रात के 12 बज चुके हैं, अंकिता का बर्थडे आ चुका है, 17 अप्रैल हो चुकी है। हैप्पी बर्थडे टू यू माय डार्लिंग। नींद आई थी? नहीं आई थी, सच बता दे। किसको नींद आएगी, आज मेरा बर्थडे तो मेरे को नींद नहीं आई। चलो गुड नाइट, और आपको बहुत बहुत बधाई आपके जन्मदिन पर, और मेरी उम्र भी आपको लग जाए, मेरे बच्चों को लग जाए, और हमेशा आप खुश रहो, यही मेरा गिफ्ट है और यही मेरा आशीर्वाद है। चलो गुड नाइट, बाय बाय, मिलते हैं कल सुबह, और कल सेलिब्रेट करते हैं आपके बर्थडे को धूमधाम से।